वेलकम टू स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ बैडमिंटन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास जो बैडमिंटन का है वो ये है कि वन बैडमिंटन मैच इज़ मेड अप ऑफ थ्री गेम्स। एक बैडमिंटन मैच जो होता है उसमें दोनों खिलाड़ी जो हैं वो तीन गेम्स खेलते हैं और हर एक गेम जो होती है वो 21 पॉइंट्स की होती है। अगर कोई प्लेयर एक गेम जीत जाता है 21 पॉइंट्स की तो फिर अगली गेम स्टार्ट होगी 21 पॉइंट्स की। इसी तरह तीन गेम्स में से जो प्लेयर दो गेम्स जीत जाएगा वो उस मैच को विन कर जाएगा। फिर हमारे पास सेकंड रूल आता है। इस रूल के मुताबिक अ गेम स्टार्ट विथ क्वीन टॉस, यानी कि जिस तरह क्रिकेट में भी क्वीन टॉस होता है, फुटबॉल में भी क्वीन टॉस होता है, इसी तरह ये वाली गेम भी क्वीन टॉस से स्टार्ट होगी और जो प्लेयर क्वीन टॉस जीत जाएगा उस प्लेयर को हक होगा या तो वो पहले सर्व कर ले या वो अपनी ओपनर टीम को सर्व करने दे और ख़ुद रिसीवर बन जाए, या इसके अलावा जो भी प्लेयर क्वीन टॉस जीतेगा उसके पास तीसरी ऑप्शन ये होगी कि अगर तो उसने जौन सी उसको साइड पसंद है, नेट की लेफ़्ट साइड या नेट की राइट साइड, वो किस साइड पे खेलना चाहता है वो अपनी पसंद की साइड ले सकता है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो भी प्लेयर कॉइन टॉस जीत जाएगा या टॉस जीत जाएगा तो उसको ये हक मिल जाएगा कि वो या तो पहले सर्व कर ले या तो जौन सी उसको प्लेस पसंद है नेट की लेफ़्ट या राइट साइड, तो वो वाली साइड में वो प्ले करना चाहता है तो वो उसको चूज़ कर लेता है। तो ये दो हक मिलते हैं जो प्लेयर क्वीन टॉस जीत जाएगा। तो ये हमारे पास दो रूल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर थ्री की बात करते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड बेहतरीन वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमारे पास जो रूल नंबर थ्री है वो है अ गेम इज़ कंसिस्ट ऑफ 21 पॉइंट्स, यानी कि हर एक गेम 21 पॉइंट्स पे कंसिस्ट करती है यानी मुश्तमिल होती है। तो चलिए तीन पॉइंट्स तो आपको पता चल चुके होंगे, तो आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ जितना हो सके आसान से आसान मटेरियल पेश करूं ताकि आपको समझ आए और आपके लिए फ़ायदा हो सके। तो हमारे पास जो रूल नंबर फोर है वो ये है कि द प्लेयर इज़ नॉट अलाउड टू टच द नेट ड्यूरिंग द गेम, यानी कि एक प्लेयर गेम के दौरान नेट को टच नहीं कर सकता, ना ही अपनी बॉडी के साथ और ना ही अपने रैकेट के साथ, यानी कि नेट को टच करना अलाउ नहीं है, वरना क्या होगा, वरना फॉल्ट हो जाएगा आपकी तरफ। अब देखें हमारे पास जो रूल नंबर फाइव है वो ये है कि द शटल कॉक शुड नॉट बी कैरीड ऑन रैकेट। देखें जो शटल कॉक होती है उसको आप रैकेट के ऊपर रख के उसके साथ खेल नहीं सकते, यानी रैकेट के ऊपर रख के आप उसको स्टैंड नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि रैकेट के किसी दूसरे पार्ट में भी उसको स्टक नहीं कर सकते। चलिए अब बैडमिंटन के बाकी रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। रूल नंबर सिक्स हमारे पास ये है कि अ प्लेयर शुड नॉट रीच ओवर द नेट टू हिट शटल कॉक। देखें जब भी आपने शटल कॉक को हिट करना है तो आपने नेट के ऊपर से उसको हिट नहीं करना बल्कि नेट के पीछे पीछे ही रहना है, जिस तरह वॉलीबॉल में नेट के ऊपर से ब्लॉक करते हैं ऐसे आपने नहीं करना। दूसरा जो हमारे पास रूल आता है वो ये है कि अ सर्व शुड कैरी डायगोनली, यानी कि अगर एक प्लेयर राइट से सर्व कर रहा है जो रिसीवर होगा वो लेफ़्ट साइड से रिसीव करेगा अपने कोर्ट की लेफ़्ट साइड से, तो इस तरह से एक क्रॉस सेक्शन बन जाएगा यानी डायगोनली सर्विस की जाएगी। रूल नंबर एट ये है कि आ सर्व मस्ट परफॉर्म बिलो द वेस्ट, कि एक जो सर्व होती है उसको बिलो द वेस्ट वाले स्टाइल से परफॉर्म करना है। ये जो आप लोगों को पिक दिख रही है ये वाला स्टाइल यूज़ किया जाता है सर्विंग करते वक्त बैडमिंटन में। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो तमाम के तमाम रूल्स का पता चल चुका होगा, लेकिन अभी और रूल्स भी बाकी हैं, कोई चार पांच रूल्स मैं आपके साथ अभी और शेयर करूँगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो की जानिब। अ पॉइंट इज़ एडिड टू अ प्लेयर्स स्कोर एज ही विन रैली,
जब भी एक प्लेयर रैली जीतता है तो उसके स्कोर में एक पॉइंट ऐड कर दिया जाता है। अब रैली क्या चीज़ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रैली इसे कहते हैं कि जब दो प्लेयर लगातार शटलकॉक के साथ खेलते हैं कोई भी फाउल किए बगैर, तो उसको हम रैली कहते हैं। जब भी किसी रैली का अख्ताम होता है तो कोई ना कोई प्लेयर जब तक फाउल नहीं करता, या जो शटलकॉक है वो बाहर नहीं गिर जाती कोर्ट से, या तो शटलकॉक कहीं स्टक नहीं हो जाती नेट में, तो तब तक रैली रहती है, उसको हम कहते हैं रैली। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे पास रूल नंबर 10 ये है कि आ प्लेयर विन रैली व्हेन ही हिट शटल कॉक एंड इट टच ओपन नेट फ्लोर। देखिए कि एक प्लेयर तब रैली जीतता है जब वो शटल कॉक को हिट करता है और वो जो शटल कॉक होती है वो जाती है ओपन नेट के साइड पे, और ओपन नेट उसको जो है वो वापस भेज नहीं पाता और शटल कॉक जो है वो गिर जाती है सरफस पे, फ्लोर पे, ओपन नेट साइड पे, तो फिर क्या पॉइंट मिलता है उस प्लेयर को जिसने इतनी अच्छे तरीके से जो है वो शटल कॉक को भेजा था कि अगला ओपन नेट जो है वापस भेज नहीं पाया उसको। या तो अगर आपका ओपोनेंट प्लेयर कोई फाउल करता है तब आपको एक पॉइंट मिलता है। इसके बाद जो रूल नंबर 11 है वो ये है कि ईच साइड प्लेयर कैन स्ट्राइक शटलकॉक वंस। जब भी कोई भी प्लेयर अपनी साइड पे शटलकॉक को हिट करता है वो सिर्फ एक बार ही शटलकॉक को हिट कर सकता है उसको ओपोनेंट के कोर्ट में भेजने के लिए। अगर तो शटलकॉक को हिट करता है और शटलकॉक उसके अपने ही साइड पे गिरने लगती है और वो उसको दोबारा से हिट करता है तो ये अलाउ नहीं है, यानी आप सिर्फ एक बार ही उसको हिट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास बैडमिंटन के रूल्स। तो मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छा मटेरियल शेयर किया जा सके और आप लोगों का जितना हो सके फ़ायदा दिया जा सके आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मिल सके बेहतरीन वीडियो स्पोर्ट्स से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।